है कि जिसकी दुकान में जो सामान होता है वो वही बेचता है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन जो अपशब्दों का प्रयोग करता है तो उनके दिमाग में वही चलता है। मुझे लगता है ये पिछड़ापन है, ये कमजोरी है, ये मानसिक कमजोरी है, इसका इलाज होना चाहिए। ये तो मनोवैज्ञानिक रोग भी है। और जो कार्यक्रम हुआ था पहले, उसमें पूर्व प्रधान और उनके कार्यकर्ताओं को बीजेपी के गुंडे कहा गया था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सुस्पष्ट यह है कि जब जिसको बुलाया जाए मान सम्मान के साथ, गरिमा के साथ, उसको जाना चाहिए। ये एक अपने अतिथि देवो भव की रीत है और इसी रीत पर रहना चाहिए सबको, ये सबके लिए। लेकिन ये क्या अनुशासनहीनता आई है, ये छोकरापन आया है, छिछोरापन आया है, जिसमें कुछ पता चलता नहीं है, तो जबरदस्ती जो है ना हर रास्ता पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश, ये मानसिकता ऐसी है जिसमें दुर्बलता ही दुर्बलता है। ये लोग चाहते हैं कि बस हम सब कुछ करें। उनको समझना चाहिए समाज की सुस्थापित व्यवस्था है, कुछ नैतिक मूल्य भी हैं, उनको व्यवस्थित रहना चाहिए ताकि लोग कम से कम दुनिया जैसी चलती है, सामान्य तरीके से चलती है, वो दुनिया के हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि कब्जा करने वाले, तो ये तो एक तरह से मानसिक रूप से कमजोरी तो है, मनोवैज्ञानिक रोग भी है, और ये लगभग ऐसा ही है जैसे लोग डकैती करते हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें उसके लिए आपके राजकुमार रोत का कहना है, इसमें आप मनीलाल रावत के ऊपर कार्रवाई हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो ये समझे पहले कि मेरे गांव के पास दरियावद और प्रतापगढ़ के बीच में बीएपी के लोगों ने लगभग 1,000 बीघा जंगल को साफ कर दिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, ऐसा लोगों का कहना है। और उसमें कलेक्टर प्रतापगढ़ ने भी कार्रवाई की है और पुलिस की भी वहां कार्रवाई हुई है, वन विभाग की कार्रवाई है, वो तो रिकॉर्ड में है। तो पहले तो ये देखें कि लोग क्यों जंगल खत्म कर रहे हैं। जनजाति समाज का, स्थानीय लोगों का और पूरे भारत के हिंदू समाज का ये प्रकृति रही है कि वो प्रकृति को पूजक मानते हैं, प्रकृति पूजक स्वभाव है, नदी में, पहाड़ में, वृक्षों में देवता देखते हैं। लेकिन ये लोग वृक्षों को खत्म कर रहे हैं, काट रहे हैं, जबरन अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये लोग कौन है? ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू समाज का जो मौलिक स्वभाव है, मूल स्वभाव, उस स्वभाव से दूर कुछ एक आयातित विचार लेके चल रहे हैं और संपदा को नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति संपदा को नष्ट कर रहे हैं। ये लोग ऐसा ही हैं जैसे अंग्रेज जंगलों को साफ करते थे, जंगलों को खत्म करते थे, जंगलों पर अपना दादागिरी करते थे, उनको लोगों को दरकिनार करके उस पर कब्जा करते थे। तो ये तो एक जबरन हथियाने वाला काम है, अतिक्रमण है।